हाँ खुश रहो एकदम। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग ओवर ब्रिज में और पीछे हम लोग का मेट्रो है, मेट्रो तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मेट्रो का। अभी मेट्रो पार नहीं हुआ, जस्ट अभी पार हुआ, देर थोड़ा थोड़ा टाइम है, मेट्रो पार होते रहेगा। आप कुछ बोलेंगे? मेरे ब्लॉग बने रही है और बाली ब्रिज हम आपको दिखाते हैं। बाली ब्रिज इतना हिल रहा है, ब्रिज और जो ब्रिज हम लोग खड़ा है। चलिए चलते हैं और हमारा ब्लॉग कैसा लगे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और न्यू हो गए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लुक देख सकते हैं, बैक का लुक। ये मेट्रो लाइन है और यहाँ तालाब है, तो तालाब में बहुत सारा मछली है। कौन सा मछली? हम लोग अपना देखिए देखिए मछली तैर रहा, देख सकते हैं हम बीच में। इसको हम लोग अपना भाषा में कहते हैं तेलपिया मछली। आप लोग अपना भाषा में क्या कहते हैं कमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाने वाले ही थे बाइक में सवार होके, दोनों घोड़ा घोड़ी जाने वाले ही थे। ये घोड़ा हम लोग की घोड़ी। अच्छा, जब तो जाने वाले थे तो हम लोग यहाँ पे मेट्रो रुका और हम लोग मेट्रो का वेट कर रहे थे। मेट्रो कब तक आएगा, मतलब आ ही रहा है सामने से, थोड़ा सा ये देख सकते हैं मेट्रो थोड़ी दूर में है। तो फ्रेंड्स ये देखिए सूर्य का रोशनी और मेट्रो का मस्त नजारा, सीन क्या नजारा है। ये रहा मेट्रो, एकदम नया नया मेट्रो है। हाँ ये जमीन के ऊपर चलने वाली मेट्रो है, ये ऊपर चलने वाली फ्लाईओवर मेट्रो है। और ये उधर थोड़ा आगे जाके कौन सा स्टेशन दमदम के बाद से ये अंडरग्राउंड हो जाता है, ये देख सकते हैं। बाय बाय मेट्रो, अब हम लोग चलते हैं बाली ब्रिज। तो चलते हैं, तो चलिए बाली ब्रिज अपना बसंती स्टार्ट कीजिए। अच्छा चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोग ये देख सकते हैं हम लोग अभी गंगा नदी पहुंचने वाले हैं। तो आपको अगर भालू लक्ष्य तो एक लाइक कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं दक्षिणेश्वर ब्रिज, बाली ब्रिज, विवेकानंद सेतु, आप जिस नाम पे कह सकते हैं इसको। ये देखिए दक्षिणेश्वर के बाद आ गया ये बाली ब्रिज। ये देखिए व्यू यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग कहीं रोक करके आपको व्यू दिखाते हैं। ये रहा हमारा हुगली नदी, ये देखिए यहाँ सबको फोटो शूट, इवनिंग वॉक, यहाँ का शुद्ध वातावरण वाला हवा लेने आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी लेते हैं यहाँ का, ये दक्षिणेश्वर ब्रिज। चलिए रुक जाते हैं, है ना, रुक करके हम लोग भी गंगा नदी का मजा लेते हैं। ये देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है सारा। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग बाली ब्रिज में आ चुके हैं। क्या बाली ब्रिज में है, बाली ब्रिज का नजारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए एकदम मस्त है ना, चारों तरफ से बाली ब्रिज का भी। ये देखिए कैसा लग रहा है तुमको पहुंच के? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ शुद्ध हवा, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रही है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं बाइक का ही ध्यान रख रहे हैं, बाइक का कोई नहीं ले लेगा। तो हम लोग अभी हैं फ्रेंड्स यहाँ बाली ब्रिज, जो कि है दक्षिणेश्वर ब्रिज, इसको कहते हैं बाली ब्रिज कहते हैं, विवेकानंद सेतु कहते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत अच्छा फील आता है, एकदम सुकून वाला फील आ रहा है। तो चलिए आप लोग एक बार ट्राई करें यहाँ आने का। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं पूरा यहाँ का नज़ारा, ये रहा पूरा बाली ब्रिज जो कि फोन में कैप्चर नहीं हो पा रहा इतना बड़ा है कि नहीं। हावड़ा पुल से थोड़ा सा बड़ा है और ये देखिए आनंद ले रहे हैं यहाँ, कैसा लग रहा है? ठंडी हवाएं चल रही है,
गंगा नदी का जो हवा है एकदम मधुर हवा है। ये देख सकते हैं गंगा नदी का पानी, एकदम नेचुरल हवा। यस, नेचुरल हवा। जब कोई भी बीमारी बीमारी रहेगा तो यहाँ पे आके सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मतलब कि हम लोग यहाँ पे ये हम लोग बिहार साइड में, हम लोग एरिया साइड में इसको गंगा नदी बोलते हैं, लेकिन यहाँ बंगाल के आने के बाद ये हुगली नदी चेंज हो जाती है। ट्रेन गाड़ी जा रही है, एक तरफ ट्रेन गाड़ी जा रही है, रोड में जा रही है। कौन सा ट्रेन? ये ट्रेन है, देखो ना उधर जो भी ट्रेन है। तो यहाँ पे जा रहे हैं, जो पता है यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ बंगाल आने के बाद ये यहाँ का हुगली नदी चेंज हो जाता है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे आने के बाद हुगली नदी चेंज हो जाता है। तो आखिर हुगली नदी बोलो या गंगा नदी बोलो, एक ही बात है। डबल रोड और ट्रेन का दोनों का है, देखो ना। हाँ। एक तरफ ट्रेन गाड़ी जा रही है और एक तरफ रोड पे ही है, रोडवे। हाँ, और यहाँ मतलब गंगा नदी में बहुत कचरा बह रहा है, लेकिन ये कहते हैं ना कि गंगा नदी में कचरा बहे चाहे कुछ भी, गंगा नदी पवित्र ही होता है। क्या हमारी गंगा मैया, ताकि हमारी गंगा मैया ही रहेगी। सो फ्रेंड यहाँ से आप जो मतलब सुल्तानगंज मेनली सब पे बोलता है कि सुल्तानगंज से हम लोग को गंगा जल लाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, हम लोग के साइड में। हाँ, तो गंगा जल हम लोग यहाँ से ही सोच रहे हैं, यहीं से हम लोग ले जाए, क्योंकि हम लोग कभी सुल्तानगंज जा नहीं सकते, तो हम लोग सोच रहे हैं यहीं से ले जाओ। और हम लोग के पीछे उधर साइड है दक्षिणेश्वर, जो कि बहुत फेमस मंदिर है, वन ऑफ द मोस्ट, काली माँ का सबसे फेमस मंदिर है दक्षिणेश्वर। हमको तो लगता है इंडिया में तो होना ही, हाँ इंडिया में होगा सबसे फेमस मंदिर यहाँ का कालीघाट और दक्षिणेश्वर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आए तो यहाँ का बाली ब्रिज और दक्षिणेश्वर टेम्पल और कालीघाट जरूर घूमें, क्योंकि ये घूमने लायक जगह है कोलकाता में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बोट। हाँ, ये देखिए, ये जा रही है अपना बेलूर मठ जा रही है दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ ना। हाँ, एकदम फेमस। हाँ, ज़्यादा अच्छा, लेकिन ये जो है कि गवर्नमेंट वाला है ना, गवर्नमेंट वाला, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, बहुत ही सस्ता फेयर में, ज़्यादा नहीं लेता है। हाँ। एकदम मस्त, हम लोग भी इसमें गए हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा सुविधा है। हाँ, फ्रेंड्स, ये देखिए, 10 से 15 रुपए में आप आना जाना कर सकते हो, आने का 15, जाने का 15। हाँ, और देखिए यहाँ पे कितना सारा भीड़ जा चुका है, कितना ट्रैफिक, कितना जाम है यहाँ पे। क्या वो देखिए, बोट जा रही है अभी बेलूर मठ के लिए। हाँ, खुश रहो एकदम, गंगा मैया। अच्छा, बैठ जाओ, बहुत मस्त हवा चल रही है। और फ्रेंड्स ये हमें बता देना चाहता हूँ, ये जो बाली ब्रिज है ना, दक्षिणेश्वर काली मंदिर और बेलूर मठ को बीच में बनी हुई है। क्या एक साइड में है दक्षिणेश्वर मंदिर, एक साइड में है बेलूर मठ। क्या मछली नहीं दिख रही यहाँ पे, बहुत नीचे बस साथ तो रहता है गंगा में, खारा पानी। अरे गंदा कर दिया गया ये, हम ही लोग आदमियों की तरह, हम लोग जैसे आदमी लोग है ना, हम ही लोग गंदा करते हैं। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हो जो दिख रहा है ना बीच में, वो है हमारा कोलकाता का सबसे फेमस मंदिर, जो कि कहते हैं दक्षिणेश्वर टेम्पल। ये कोलकाता का ही नहीं, काली मंदिर इंडिया में फेमस है। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं पैदल, और ये देखिए पीछे से बाइक में आ रहे, देख सकते हैं हमको पैदल छोड़ दिया, देखो ना, और अपने बाइक से स्टाइल मार रहे हैं। आज हम भी बाइक में नहीं बैठे, हम पैदल चल रहे गंगा नदी के पुल में, कितना अच्छा सीन है। चाहिए चाहिए, देख रहे बाइक से स्टाइल मार रहे हैं, आगे चले गए। अब कहाँ रुकते हैं पता चलता है आगे जा करके। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ शाम का लाइट का लुक कितना अच्छा दिख रहा है, और अभी शाम के टाइम भी यहाँ के रात भर बोट चलता है। हाँ, रात भर नहीं चलता है जब तक बेलूर मठ। और हाँ, और वहाँ जो देख रहे हैं ना, वहाँ पे पुल के नीचे में, वहाँ पे ना हम लोग एक सी डॉल्फिन दिखा, ऊपर से कूदा एकदम, इनको दिखा, और उनके बाद हम भी बहुत देर तक खड़े रहे तो हमको भी दिखा, तो ये रहा मजा आ गया। लेकिन देखिए शाम में बहुत अच्छा यहाँ लाइटनिंग रहता। हाँ, ये देखिए शाम का लाइटनिंग,
फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं दिखेगा। उसका घर यही, हाँ मम्मी पापा। फ्रेंड ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है दक्षिणेश्वर टेम्पल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं सीढ़ी है, यहाँ पे सब कोई गंगा जल उठाता है, गंगा मैया के दर्शन करता है। जय हो गंगा मैया। तो चलते हैं हम लोग दक्षिणेश्वर टेम्पल, वहाँ से आपको आपको आगरा व्यू दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ का व्यू। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक से, ये देख सकते हैं ये बाइक से जा रहे हैं, और हम लोग फुटपाथ में चढ़ गए हैं, इसीलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, क्योंकि अभी शाम के टाइम है ना, जितना वर्कशॉप जितना वर्क ऑफिस मैन है वो सब अभी उन लोगों की भीड़ हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे आप वोटिंग कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोग बाली ब्रिज का दूसरे साइड में है, यहाँ से मेरा देखिए दक्षिणेश्वर टेम्पल अच्छी तरह से दिख सकता है। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोग, एकदम अच्छा से एकदम जूम करके दिखा रहा हूँ, एकदम मस्त नज़ारा है यहाँ से। और ये इधर खड़ी हुई है, ये देखिए। हाँ अच्छा बोन प्याज, हाँ वो तो नदी है तो रहेगा ही ना बोन प्याज। और ये देखिए कितना सारा ट्रैफिक लग चुका है हमारा बाली ब्रिज में, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है इधर। ये देखिए मस्त, और हम लोग बाइक पे चढ़ा दिए ऊपर, फुटपाथ के ऊपर चढ़ा दिए इधर ही। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो आरती का टाइम है ना, तो काफ़ी भीड़ भी है, आरती होने वाली है ना, देखो भीड़ है, भीड़ देखो। और नीचे बोट लगी हुई है, बोट के लिए लाइन लगा हुआ है, सब कुछ चल रहा है। देखिए हाँ बहुत सारे लोग बोट का वेट कर रहे हैं, और इधर भी ट्रैफिक का सिग्नल का वेट कर रहे हैं क्योंकि सिग्नल इधर बंद है अभी। क्या लेने के बाद सोचिए अब पूरा कंप्लीट हो गया है। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बनाने का, क्योंकि हम लोग इससे ज़्यादा बेटर करें। तो कैसा लगा, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, है कि नहीं? हाँ एकदम कीजिए। तो हम लोग अभी सपोर्ट का ज़रूरत है, और ये देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये हमारे पीछे है दक्षिणेश्वर टेम्पल, ये देख सकते हैं। और हम अभी सोच रहे हैं हेलमेट नहीं खोलिए, क्योंकि अभी फिर हमको हेलमेट पहनना पड़ेगा, पहनना खोलने का हमको बहुत गजब लगता है, इसलिए हम पहने रखे हैं क्योंकि फिर हमको। और ये तो बाइक लेके अपना बसंती तैयार है। नदी है, घर का नाला थोड़ी है कि घुस जाओ फोन निकाल लो, और बहुत गहरा नदी है। तो यहाँ देखिए ये आया है बेलूर मठ सर, यहाँ पे खाली कर रहा। और ये इतना जो देख रहे हैं ना आप, हाँ इतना जो आप देख रहे हैं ये सब अभी बैठने के लिए रेडी होने जा रहे हैं, ये खाली होगा उसके बाद खड़ेगा। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं घूम के, और हमारे फेस तो आपको लग नहीं रहा है थके हैं, लेकिन हम लोग थक जाए थक गए हैं, पूरा डल हो गए, एनर्जी लॉस हो चुका है, क्योंकि हम लोग गए थे बाइक से भले, लेकिन आते हुए रास्ते में इतना ट्रैफिक था, हम लोग तो फुटपाथ वाले जो रास्ते ज्यादा ट्रैफिक ही हम लोग बाइक। दोस्तों आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्या और लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।